नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपकी सिंह लगन की कुंडली है और आपको धन प्राप्ति के बारे में, व्यवसाय नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब आय के बारे में, जिसे हम इनकम भी बोलते हैं, धन प्राप्ति के बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं, धन नहीं मिल रहा है या फिर धन ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वास्तु के संदर्भ में आपसे आपको कौन से उपाय करने चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी राशियां हैं, उन सभी राशियों के लिए, मतलब इन सभी लग्न के लिए, लग्न राशि में बोल रहा हूँ, उन सभी लग्न राशि के लिए जो भी मतलब वास्तु के जो भी उपाय है वो किस तरह से करने चाहिए, जिसकी वजह से आपको धन के मामले में जो भी प्रॉब्लम है या फिर कॉम्प्लिकेशंस है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हैं, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर है, आपकी जो वास्तु है, इसमें जो मुख्य व्यक्ति है, उस मुख्य व्यक्ति की अगर सिंह लगन की कुंडली है तो आपके वास्तु में ऐसे कौन से आपको बदलाव करने हैं या फिर ऐसे कौन से जो रेमेडी है, उपाय है, वो आपको करने हैं, जिसकी वजह से जो भी पैसों के मामले में, फाइनेंस के बारे में जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सिंह लगन की कुंडली मतलब क्या, क्योंकि उसके लिए आप जो मैं आपको उपाय कह रहा हूँ उसके लिए आपको ज्योतिष ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या फिर वास्तु के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो अंत तक अच्छी तरह से देख लेना। तो सिंह राशि, सिंह लगन की कुंडली किस तरह से पहचानी जाए, तो अगर आपने कुंडली देखी होगी तो उस कुंडली में करीबन 12 घर होते हैं, 12 या फिर घर या फिर संस्कृत में से भाव भी कहा जाता है। उस 12 घर में, जिस घर में ल करके अक्षर लिखा है, ल माने के लगन, तो वह जो भाव है वह लगन भाव हो जाता है या फिर प्रथम भाव हो जाता है। उस भाव में अगर 5 नंबर का अंक है या फिर 5 अंक लिखा है और वहां पर ल लिखा है, तो आपकी जो कुंडली है वह कुंडली सिंह लगन की कुंडली हो जाती है। तो उसके बाद आपको वास्तु के बारे में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी कहता हूं। तो अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो सिंह लगन की कुंडली में आपके जो धनेश, भाग्येश, कर्मेश, लावेश, यह जो ग्रह है वह ग्रह बलवान होने बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ये धनेश, भाग्येश, कर्मेश, लावेश आपके कुंडली में, मतलब सिंह लगन की कुंडली में मंगल, शुक्र और बुध, ये जो ग्रह है वह ग्रह हो जाते हैं और उनको ज्यादा बलवान करना आवश्यक हो जाता है। तो आपकी जो वास्तु है उसमें ऐसे कौन से उपाय आप कर सकते हो जिसकी वजह से यह जो ग्रह है वह ग्रह ज्यादा बलवान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक आय जो आपकी है वो काफी अच्छी बढ़ सकती है, या फिर जो भी दिक्कतें आपको नौकरी में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से आपका जो इनकम है वो बंद हो चुका है या फिर वो नहीं हो रहा है या फिर उसमें दिक्कतें आ रही है या फिर खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उत्तर तो एक है, एक ही होता है कि आर्थिक संदर्भ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि यह जो ग्रह है आपको बलवान करने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात, आपके वास्तु की जो पश्चिम दिशा है उस पश्चिम दिशा पर घर से बाहर, मतलब घर की जो दीवार है उस दीवार के बाहर आपको पन्ना जो रत्न है, उस पन्ना रत्न का, 5 रत्ती का जो पन्ना रत्न है वो जमीन के नीचे आपको गाड़ना है या फिर निक्षेप करना है। तो यह बात अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, मैं फिर से कहता हूं कि आपकी वास्तु की जो पश्चिम दिशा है उस पश्चिम दिशा के दीवार के बाहर आपको यह जो पन्ना रत्न है वो जमीन के नीचे आपको 5 रत्ती का पन्ना रत्न है वो गाड़ना है। वो पन्ना रत्न ओरिजिनल होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह बात भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। उसी प्रकार वह जो वास्तु के जो मुख्य पुरुष है, मतलब जिसका जो जिसकी जो लगन कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है, वह हमेशा अपनी जो बैठने की जो व्यवस्था है वो इस तरह से की उसके होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हमेशा पूरब दिशा देखे। तो यह बात भी काफी ज्यादा आवश्यक है, कोई भी मतलब जो भी है जिसकी भी सिंह लगन की कुंडली है वो हमेशा उनकी जो वास्तु है उस वास्तु में इस प्रकार से बैठे जिससे कि वह हमेशा पूरब दिशा ही देखे, यह बात एक ध्यान में रखनी आवश्यक है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने अंगूठी में, सोने की अंगूठी में करीबन 4 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
मानिक रत्न यह भी मानिक रत्न है वो ओरिजिनल होना काफी ज्यादा आवश्यक है और चार रत्न का होना आवश्यक है। अभी ये जो मैंने उपाय बताए जैसे कि आपके पश्चिम दिशा में आपके दीवार के बाहर आपको पांचों जो रत्न है वह रत्न या फिर पन्ना जो रत्न है या रत्न पांच रत्न का आपको जमीन के, तो इसके लिए मुहूर्त होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है विशिष्ट नक्षत्र में, क्योंकि आपकी सिंह लगन है तो उसके लिए विशिष्ट नक्षत्र में वह जो मैंने अभी जो उपाय बताए वह उपाय होने काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर यह उपाय आप करते हो तो करीबन आने वाले उपाय करने करने के बाद आने वाले 2.5 से 3 महीने के बाद आपको उसके रिजल्ट है वो आपको देखने मिलेंगे और जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस पैसे के संदर्भ में या फिर आर्थिक आय के संदर्भ में आपको आ रहे हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 2.5 से 3 महीने राह देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि ये जो सभी उपाय है वो संपूर्णतः प्राकृतिक है और ऊर्जा मतलब हम जो उपाय करते हैं वो ऊर्जा के संतुलन के लिए ही करते हैं, क्योंकि आपका जो घर है उसमें जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से संतुलित की जाए जिसकी वजह से अर्थ के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाए, तो वह जो ऊर्जा है वो संतुलित होने के लिए ही 2.5 से 3 महीने का कालावधि लग जाता है। तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि जल्दी जल्दी होना चाहिए, जल्दी नहीं होगा, वो अपना समय लेगा ही। लेकिन एक बार आपको उसके जो परिणाम है वो शुरुआत हो जाएंगे तो उसके बाद करीबन अंत तक यह जो उसके जो परिणाम है वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये था, अगर आपके सिंह लगन की कुंडली है, अगर आपके वास्तु के मुख्य पुरुष हो तो आपको वास्तु के संदर्भ में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अर्थ के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपको रहेंगे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।